ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मुझे बिग माफी के भाई ने कायो पेरी को आइलैंड एक बहुत तगड़ी चोरी करने के लिए भेजा था। मुझे वहां से एंशिएंट पैंथर स्टैचू चुरा के लाना था और उसे बेचना था डगन बोस को और एल रूबियो, मींस कायो पेरी को आइलैंड के मालिक एल रूबियो को ये बताना था कि ये चोरी डगन बोस ने करवाई है। हैं तो ये दोनों रियल ब्रदर, बट आपस में इनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है और इसके बाद तो इनकी फाइट होनी थी और हमें इस फाइट का फायदा उठा के डगन बोस को निपटा देना था। बट इन सब चीज के बारे में एल रूबियो को मालूम पड़ गया और वो हमारे घर पहुंच गया और वो पकड़ के यहाँ उसने इलाके में बंद कर दिया है। और एक सेकेंड गिप, मुझे क्या हो रहा है भाई, ये चक्कर से क्यों आ रहे हैं? तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मुझे कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अगर इस बारी एल रूबियो के गार्ड्स ने मुझे ढूंढ लिया ना तो वो लोग पक्का मुझे मार ही डालेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इन लोग को मार के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी थी। बट मैं जैसे एग्जिट गेट पे पहुंचा तो पता चला इन्होंने पूरा गेट ही बंद कर रखा है और अभी ना फिलहाल मुझे बाहर इन लोगों के चलने की आवाज आ रही है। मैंने लाइट बंद करके इस बाथरूम में आके छुप गया था बट अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर और बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं। इन लोगों ने लाइट भी दोबारा से जला ली है और मुझे ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मुझे पता था तुम सब यहीं पर हो। फिलहाल अभी मुझे ना इन सबसे एकदम आराम से लड़के यहाँ से निकलना पड़ेगा, काफी सारे बंदे पीछे भी हैं। तो यार देखो, अभी ना मुझे पूरा रिस्क उठाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बंदा सामने यहाँ शॉटगन लेके खड़ा हुआ है, लेट्स गो। इसको भी मैंने डाउन कर दिया है। ओ एक सेकंड, यहाँ पर नीचे भी एक बंदा है, मेरे को दूसरे रास्ते से शायद यहाँ से जाना चाहिए। स्टेयर्स पर ये लोग नहीं होंगे क्योंकि अभी मुझे ना इस बिल्डिंग्स के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जितने भी रूम है, सब कुछ अच्छे से तो मालूम पड़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर पीछे भी कोई ना कोई खड़ा, एक सेकंड, इसको भी मुझे ना डाउन करना पड़ेगा। फिलहाल एकदम अच्छे से मैंने इसके हेड पे एकदम मस्त बुलेट मार दिया है और अगर इनमें से किसी ने मेरे हेड पे बुलेट दे दी तो हो सकता है हम लोग भी डाउन हो जाए। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा ना सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा एमो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 14 एमो है मेरे पास और एक SMG है जिसके अंदर भाई सब अच्छा खासा एमो है। फिलहाल मुझे पिस्टल मिल गया था एक, जिस पिस्टल में ढेर सारा एमो है, मुझे एमो की कोई कमी नहीं पड़ने वाले। बट फिर यार एसएमजी नहीं, एसएमजी अपनी अंदर रखते हैं, यहाँ पर भी कोई ना कोई होगा। ओ एक सेकंड, शॉटगन लेके खड़ा हुआ है स्टेयर्स पे। भाई इतना ज्यादा अंधेरा है, नजर ही नहीं आ रहा। अरे एल रूबियो के गार्ड से जो कायो पेरिको से आया ना, कसम से बहुत ज्यादा ही अजीब से हैं। फिलहाल इसको मैंने मार के डाउन कर दिया। मैं अपनी ना टॉर्च अपने हाथ में ले लेता हूँ ताकि मुझे जब भी जरूरत पड़े मैं से तुरंत ना जला के देख लूं। फिलहाल यहाँ पर तो एक सेकंड, नीचे से कोई मारने की कोशिश कर रहा है, आराम से मार को। यहाँ पर खड़ा हुआ है, देख रहे हो भाई ऐसी ऐसी जगह पे छुपे हुए हैं। मैंने टॉर्च मार के देखा बट वो सीढ़ियों के पीछे छुपा हुआ था। फिलहाल भाई काफी सारी बुलेट्स मेरे भी लग गई है, उस टाइम पर एकदम मरने वाली सिचुएशन सी आ गई है। खैर वो तो अच्छी बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर लाइट्स भी लगवा लिया है और ये पता नहीं कैसे सी लाइट्स है, ढंग से जल भी नहीं रही है। एक बंदा यहाँ पर भी था, इसको मैंने क्या ही मस्त मारा है, मुंह पे गोली मारी, मुंह के भले ये सीधा नीचे आके गिर चुका है। कोई है तो देखो बता दो, लाइट बंद कर देता हूँ ताकि उसको ना व्यू ना आए। अब यहाँ पर जितनी लाइट्स है मैं सारी बंद करने वाला हूँ, ठीक है? ये लोग मुझे ना लाइट्स की वजह से देख ले रहे थे इतनी देर से। फिलहाल ये गन को मैं रीलोड करता हूँ। यार इतने सारे रूम्स हैं यहाँ पर बट किसी भी रूम से ना बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर एक कंप्यूटर मिला था, मैं सोच रहा था इस कंप्यूटर के थ्रू मैं किसी ना किसी तरीके से लेस्टर को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। यार अगर मेरी लेस्टर से बात हो जाती ना तो हम लोग यहाँ से निकल जाते। फिलहाल अभी सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो जो गेट है मुझे उसे खोलना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा एमोनिया है, तो हरकत मत कर, निकल यहाँ से। पैर पे सीधा गोली मारी भाई, कितनी गंदी तरह ही गिरा है। और अभी इसके एक सर पे भी देखे, इसका पूरा खेल मैं खत्म करता हूँ, लेट्स गो। इस बाथरूम में कोई है, इस बाथरूम में पक्का कोई है भाई, देखो अगर है तो बता दो। यार एक सेकंड, मेरे को लग रहा है भाई अंदर कोई होगा, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं है। पिस्टल निकाल लेता हूँ भाई क्योंकि AK-47 की पूरी एमो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी और गन्स पड़ी हुई है, इसके पास से मैं एमो लेता हूँ। यार देखो यहाँ से ना जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से बाहर निकलने के एक से दो रास्ते हैं बट बंद कर रखे हैं इन लोगों ने, मुझे उस रास्ते को खोलना है, बस उसके बाद में आजाद हूँ। फिलहाल इस बंदे ने को देख लिया, पीछे रह, रुक जाओ, उसे पिस्टल मारूंगा, कोई नॉर्मल गन नहीं, पीछे उड़ा बेटा, पहली बता रहा हूँ, बेसबॉल बैट पड़ेगा अब इसके। नहीं यार नहीं, खाली पीली रिस्क नहीं लेना, एक काम करता हूँ सीधा मैं इसके हेड शॉट मारता हूँ और लो भाई हेड पे जब बंदे की पड़ती है ना भाई पूरा कांप जाता है। ये डाउन हो चुका है, यहाँ पर आगे एक और है, मुझे पता था यहाँ पर तू भी है, ये भी गया, लेट्स गो। एक और भाई साहब जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और हेलो आप कुछ कहना चाहोगे, आपके पैर पे पड़ेगी, लेट्स गो। इसको मस्त एकदम मैंने डाउन कर दिया। किसी ने शॉटगन चलाई, पीछे कोई बंदा आसपास ही है शायद, उसने पीछे वाले रूम से मारी। गेट खोल के देखता हूँ, अगर कोई है तो भाई देखो बता दो, मैं छोड़ दूंगा वरना मारे जाओगे तुम बहुत गंदी तरह। ओके इस रूम में कोई भी नहीं है,
इतनी सारी विंडो लगी हुई है बट किसी विंडो से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ये लकड़ियां भी लगा रखी है, उसके बाद बाहर से भी लगा रखी है, वो तो निकल के गिर गई बट कोई फायदा नहीं है। गन रीलोड करता हूँ इनसे, फिर चले। ओके भाई साहब जी वहां पे खड़े हैं शॉटगन लेके, एक और पड़ेगी इसके। अंदर चल ले बेटा सीधा चुपचाप से, भाई शॉटगन की इतनी लंबी रेंज नहीं होती, इतनी दूर तक वो मार रहा है। फिलहाल यहाँ से सारी बुलेट्स मैं इनके पास, जितनी भी गन्स है सारी बुलेट्स मेरे को मिल रही है एसएमजी की। ओ, ओ, ओ एक मिनट, पिस्टल पड़ेगी इसके, तो रुक जाओ। एक पड़ी पैर पे, अब पड़ेगी, अब इसका निशाना मेरे ऊपर नहीं लग पाएगा। पैर पे बुलेट पड़ती बंदा हो जाता है ढेर। फिलहाल इसको मैंने डाउन कर दिया। सीढ़ियों से भी मैं नीचे, अंदर कोई था भाई साहब? अंदर क्या कर रहा था ये? चल तीरियस की तैसी, वहां पे खड़ा होके मुंह उधर कर रखा है उसने, पता नहीं क्या ही सीन था उस बंदे का। यहाँ पर नीचे एक बंदा था, ये भी डाउन। लेट्स गो, चल निकल। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जंप मार दूं, बट ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से जंप मारूं और वो लोग सीधा मेरी गर्दन पकड़ के अपने पास ही खींच लें, क्योंकि हो सकता है भाई दूसरी साइड पे बंदे हो। सही है मैंने जंप नहीं मारी भाई, और अभी इनको मालूम पड़ चुका है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ। लाल सामने एक और बंदा था, इसको मैंने बहुत गंदा मारा। दो बंदे थे, एक नहीं दो बंदे थे। उठने की कोशिश तेरी ऐसी की तैसी, उठ रहा है भाई, जान बहुत ज्यादा है ना तेरे में। एक मिनट रुक जा, अब बता कितनी जान है बता। एमओ भी दे और बल्ले भी खा अभी। फिलहाल दूसरी साइड से चलता हूँ गाइस, वहां पे जो बंदे हैं उनको नहीं यार, अभी मैं सबसे क्यों लड़ रहा हूँ यहाँ पर? जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं उस जगह पे खड़े होके, उनको करने दो। मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए सीधा नीचे। यार अगर इस टाइम पर मेरे पास गैस बॉम्ब भी होते ना, टीयर गैस, मैं इनको सुंघा के वही बेहोश कर देता। वो यार अब से मैं हमेशा अपने पास एक रखूंगा, गन्स बाद में बट वो ज्यादा जरूरी है अभी। दो बंदे हैं यहाँ पर, ये गया एक पैर पे भी दिया, लेट्स गो डाउन। सामने भी एक बंदा है, ये भी डाउन। अभी लेफ्ट साइड में मुझे पता था बेटा, इतना चिल्ला रहे हैं लोग और तुम्हें मालूम नहीं पड़े, मुझे पता है। इनकी लाइट्स बंद कर देता हूँ लगे यहाँ थी, ताकि लाइट्स अगर जलते रहेगी ना तो यार देखो इनको मालूम पड़ते रहेगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, इसलिए इनकी लाइट्स बंद करना पहले जरूरी है। ये बंदा इस साइड खड़ा हुआ है और अभी इसकी मैं बजाने वाला हूँ बैंड। दो नहीं तीन तीन बंदे, ओ पीछे पीछे पीछे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि सामने से और लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स गो, इसके मैंने एकदम मस्त वाली शॉटगन बजा दी है। मैंने उस टाइम ने इसे देखा नहीं था, अगर देखा होता तो मैं इसको बजा डालता, बट सही है कि अभी मैंने देख लिया और मैं शॉटगन अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना अभी एक बंदा लेफ्ट साइड में है और शॉटगन से ना उसको गोली लग नहीं पाएगी, क्योंकि शॉटगन शॉर्ट रेंज तक ही बढ़िया है, लॉन्ग रेंज में वो गन थोड़ी सी बेकार हो जाती है। फिलहाल वो बंदा मुझे यहाँ पर दिखा तो था और ये रहा, लेट्स गो, मैंने इसको डाउन कर दिया। अभी आगे की तरफ में भी और बंदे हैं, मुझे उन्हें लपेटना है। तो चलो गाइस अभी फटाफट हम लोग ना यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर भी एक गेट है, अगर देखो कोई अंदर छुप के बैठा है तो यार पहले बता दो, वरना बाद में बहुत गलत वाली कुटाई होगी। फिलहाल ये मैंने लाइट फोर डाली है ताकि इन लोग को मालूम ना पड़े कि मैं उतर के नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने लाइट्स शायद से ना मेरे लिए ही लगाई है। मतलब लास्ट टाइम यहाँ पे इतना अंधेरा था। और एक कैमरा, अच्छा मैंने ऊपर वाले फ्लोर के कैमरे तोड़े थे, नीचे वाले फ्लोर के कैमरे अभी भी रह गए थे। एक बंदा यहाँ पर और था, मैंने इसे डाउन कर दिया। और पीछे 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 भी एक बंदा यहाँ पर, इसे भी मुझे डाउन करना है। कहाँ जा रहा है बेटा? तो ओके गाइस, एक बंदा सामने खड़ा हुआ था, इसको भी मैंने एकदम मार के मस्त डाउन कर दिया है। और इस तरफ में भी एक बंदा था। ओके चलो चलो चलो, थैंक यू चिल्लाने के लिए थैंक यू। और गाइस देखो यही है मेन गेट, बट यहाँ पर ना इन्होंने पीछे कोई है। ओके यहाँ पर ये बंदा था, इसे तो मैंने मार दिया है, बट कोई ना कोई तो यहाँ पर अभी भी है। मुझे उसके चिल्लाने या फिर बोलने की आवाज़ आ रही है। देखो भाई यहाँ पर हो तो पहले ही बता दो, बाद में धप्पा करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं जल्दी से चल के यहाँ पर ये जितने भी बॉक्सेस या फिर जितना भी सामान है ना, इसे हटा के इस गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एक बॉक्स को तो मैंने तोड़ डाला है, यहाँ पर एक बॉक्स और है, इसे भी मुझे एकदम मस्त तोड़ना है। लेट्स गो अभी इस गाड़ी को ना मैं यहाँ से, ओ ओ ओ एक सेकंड भाई साहब ये काफी ज्यादा ना भारी होगी, इसको यहाँ से मैं हटा नहीं पाऊंगा। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मुझे कुछ भी करके सारा का सारा सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये पीछे ताले कौन बचा रहा है भाई? ये एल रूबियो यहाँ पे कैसे आ गया और अपने बॉडी गार्ड्स लेके भी? और एक सेकेंड, इसका मेन चेला ऊपर, ये ऊपर से कहाँ से कूदा भाई? और इसने भी मेरे को पकड़ लिया है बहुत गंदी तरह यहाँ पे। भाई मुझे लग रहा था यार एल रूबियो आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट नाइट जो मैंने इनके बंदों को मारा है कोई सबसे बड़ी गलती थी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ये एल रूबियो का चमचा मुझे पकड़ के इसके पास लेके आ चुका है और इन लोगों ने मेरे सारे के सारे वेपन्स भी छीन लिए हैं। फिलहाल मैंने इसको साफ साफ बोल दिया कि ये चोरी मैंने जानबूझ के नहीं करी थी, इस चोरी को करने के लिए मुझे डगन बोस ने ढेर सारा पैसा दिया था। और साथ ही उसने हमें ये कहा था कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे भाई एल रूबियो को भी मार डालना। बट इसको ये बात सारी की सारी झूठ लग रही है क्या? क्योंकि भाई अभी ये बहुत ज्यादा ही गुस्से में मेरे को मारने के लिए आया। भाई कसम से मर ही जाऊंगा अगर एक दो बैट भी सिर पे पड़ गए। भाई 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 एक बारी ध्यान से सुन ले बात को,
फिलहाल यार अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वरना उसका जो बॉडी गार्ड है मीन्स जो चमचा है मेरे को मार ही डालेगा। भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है, जब अपने घर पे आया था ना तो उसको घर पे अपने वाला बैग मिल चुका है जिसके अंदर वो टाइगर पड़ा हुआ था, इसलिए इसको लग रहा है चोरी हम नहीं करी है। तो गाइस देखो अभी ना ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, ओ भैंस की। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ पे लेकर आ चुके हैं। मुझे तो लग रहा था कि आज एल रूबियो मुझे मार ही डालेगा, बट उसने शायद से मुझे छोड़ दिया है, सिर्फ जिंदा छोड़ा है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने किसी और जगह पे मुझे ला के बंद कर दिया है। बट ये जगह पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, ये कायो पैरी को तो नहीं है, और पता नहीं क्यों मुझे ये जगह ना थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी भी लग रही है। एक तो यार सच्ची में माइकल की हालत भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है भाई, सब ढंग से चलने की भी हालत में नहीं है हम लोग। और ये मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉस सैंटोस में हूँ मैं, वो लोग मुझे पकड़ के तो ले गए थे मैं 100% श्योर हूँ। उसके बाद जब एल रूबियो ने मारा तो उन्होंने मेरे को बेहोश कर दिया था, और अभी मैं लॉस सैंटोस में ही हूँ। वो देखो वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वो अपनी लॉस सैंटोस का मेज बैंक टावर ही है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो लोग मुझे यहाँ क्यों फेंक के गए, और मैं अपने घर के सामने हूँ भाई, अपने घर के सामने जो बिल्डिंग बन रही थी या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को तो मैं अच्छे से मतलब पहचानता भी नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ। तो वो मुझे मेरे घर के सामने ही फेंक के क्यों चले गए, उनका कोई बॉडीगार्ड भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल शायद से उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, बट उसने ऐसा क्यों किया मेरे को समझ नहीं आया। हो सकता है उसे मेरे घर से टाइगर मिल गया हो और उसमें मुझे विश्वास भी हो गया हो कि हाँ भाई ये जो चोरी है डगन बोस ने करवाई है और हमने जानबूझ के नहीं करी थी, क्या पता इसीलिए उसने हमें छोड़ दिया हो। फिलहाल यहाँ पर ये सब लोग इधर उधर भाग क्यों रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यार जल्दी से भाग के ना अपने घर में चलता हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है भाई। एल रूबियो भाई कसम से यार घर पे पहुंच गया था, उस बंदे से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिलहाल ये देखो अपनी ये वाली गाड़ी इंसर्जेंट अभी भी घर पे खड़ी है जो कि हम लोग डगन बॉस की चुरा के लाए थे। यार उसको मालूम पड़ गया कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये गाड़ी अपनी लास्ट टाइम बीच में खड़ी थी यहाँ पर किसने खड़ी कर दी पता नहीं यार। खैर छोड़ो जो भी है, फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं घर में क्योंकि यार अभी फटाफट से ना मुझे सबसे पहले तो कपड़े बदलने हैं क्योंकि इस कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ब्लड लग गया है, और अभी ना मुझे लेस्टर से बात करनी होगी, और बात करने के लिए यार मुझे एक नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो वाला जो फ़ोन है वो चोरी हो गया है। फिलहाल यहाँ पर ये जो अपनी मेड है ये तो फिलहाल यहीं पर रहती है, और पहले जूस पीते हैं भाई, पहले थोड़ी सी ना ताकत आए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ओके लेट्स गो, ये मैंने पूरा जूस पी लिया है, और अभी गाइस फटाफट से ना हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि भाई ब्लड बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है इन कपड़ों पे, अब थोड़ी बहुत ताकत आएगी। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं और एक बारी ना चल के शावर लेते हैं ताकि बॉडी थोड़ी बहुत साफ हो जाए, उसके बाद जल्दी से हम लोग कपड़े बदल कर जाने वाले हैं एक नया फोन खरीदने के लिए क्योंकि अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी लेस्टर से मिलना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पर होगा। और एक सेकेंड, ये जिमी अपने रूम में क्या कर रहा है, ये जिमी कब आया भाई यहाँ पर, हेलो भाई साहब ये गेम खेलने वापस आया हुआ है यहाँ पर या फिर किस काम से आया है। अभी ना मुझे इससे पूछना होगा कि आखिरकार ये लोग इस टाइम पे कहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा माइकल की फैमिली से छोड़ के जा चुकी है, कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है ये लोग वापस नहीं आए, बट आज जिमी घर पे आया हुआ था पता नहीं क्या करने के लिए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं, इसको ना अभी कोई हमसे इम्पोर्टेंट काम है, और ये कह रहा है पहले मेरा इंपॉर्टेंट काम होगा उसके बाद ही मैं बताऊंगा क्या सीन है। फिलहाल गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, जल्दी से चलकर हम लोग बैठते हैं। भाई यार कसम से मैं इसको देखकर एकदम शॉक सा हो गया क्योंकि पूरे के पूरे एक से दो हफ्ते बाद कोई बंदा अपने घर में मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल ये अपनी जी वैगन जो है ना मुझे इसे भी रिपेयर करवाने के लिए जाना होगा, बट उससे पहले ये काम ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिमी भाई ये ब्लू वाली कार ये लोग लेकर गए थे और मैं इतने दिन से सोच रहा था मेरी मेन कार कहाँ पे चली गई, और अभी फिलहाल ओके तो अभी फिलहाल इसका कोई फ्रेंड है ये उसके पास हमें लेकर जा रहा है। भाई पिटवा विटवा तो नहीं देगा ना उससे, नहीं यार ऐसे थोड़ी करेगा, पता नहीं इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम है। जल्दी से हम लोग चलते हैं, और इसका दोस्त बर्गर शॉट पे काम करता है, चलो कोई नहीं फिलहाल चलकर उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या इसको इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए घर पे वापस आया। और गाइस अभी ना फिलहाल ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत गंदी तरह इस टाइम पे ना लड़ रहा है। यार मैं ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ वरना ठुक जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा बर्गर शॉट पे, और जिमी कह रहा है कि मेरे दोस्तों के आगे ना उल्टी हरकतें मत करना, मतलब कि यार सच्ची में इनको कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो गई है माइकल से। फिलहाल अपनी गाड़ी लेके हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ये ड्रग डीलर है इसका दोस्त। भाई साहब ये कैसे कैसे दोस्त बना रहा है, उसको इसने पैसे दे दिए और उससे पता नहीं इसने कुछ लिया है।
Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. भाई on, इस टाइम पर पता नहीं ये क्या ही लेने में लगा हुआ है उसने, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसने भाई कैसे कैसे से दोस्त बना लिए भाई इसने एक हफ्ते के अंदर ही। तो भी गया था थोड़ा बहुत शरीफ सा था बट अभी भाई ड्रग डीलर दोस्त है इसका भाई, पता नहीं क्या ही बंदा है। फिलहाल अभी देखते हैं क्या कर रहा है। ओके फिलहाल अभी जल्दी से गाड़ी हमें निकालनी है। बस इतने से काम के लिए वापस आया था भाई, इसे हमसे बस थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे और इसे ये कुछ खरीदना था यहाँ से, और अभी ये कह रहा है मुझे वापस घर पे ड्रॉप कर दो। वैसे इसने वो ड्रिंक लिया मुझे पीने के लिए बोल रहा है। ओके अभी माइकल पी भी रहा है शायद वाले ड्रिंक, इसने मेरे को दी तो है और अभी माइकल इस टाइम पे पी भी रहा है वाले ड्रिंक। ओ भाई इसे वापस कर दी मैंने, चलो कोई नहीं फिलहाल जल्दी से हम लोग घर पे चल के इसे ड्रॉप करते हैं, मुझे बहुत सारे काम है। पे ये क्या पिला दिया इसने भाई साहब, एक सेकंड मुझे पता है क्या लग रहा है, वो जो उसने उससे पाउडर सा लिया था ना ड्रग सा, वही इसने इसमें मिला दिया है। रुपी वो पीते ही भाई ये देखो क्या हो रहा है, चक्कर से आने लग गए भाई। एक सेकंड भाई ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है पूरी, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ बट ये जा कहाँ रही है भाई 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 ये इससे ही हो रहा है या फिर मेरे ऊपर एल रूबियो ने कुछ किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। जरूरी नहीं है जिमी की वजह से ही हो रहा हो, क्योंकि एल रूबियो भी बेकार बंदा है। और अभी फिलहाल पता नहीं क्या हो रहा है भाई, चक्कर से आ रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है भाई। इसने हमें गाड़ी से बाहर धकेल दिया है और कह रहा है मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारा पैसा वैसा भी निकाल लूंगा अब भाई। एक सेकेंड ये क्या करने आया था, वापस पागल बनाने आया था क्या? उसने जानबूझ के उससे वो ड्रग्स खरीदे और वो जो ड्रिंक उसने ली थी उसमें मिला के माइकल को पिला दिया। और एक सेकेंड ये हम लोग कहाँ आ चुके हैं, ये क्या चल रहा है, कोई तो घसीट के मुझे यहाँ पर लाया है बट वो जिमी नहीं है, जिमी तो गाड़ी से जा चुका है। और ये कौन भाई, ये मंकीज के बीच में कहाँ आ गया मैं, एक सेकेंड। अबे ये क्या हो रहा है भाई, पूरी बॉडी ऊपर आसमान में, यूएफओ यार एलियन आ गए हैं क्या लॉस सैंटोस में। देखो यार वो जो चीज़ है वो जिमी ने जानबूझ के करी है, क्योंकि वो इसीलिए शायद आया था और हमें वहां लेकर गया, वो उसने जानबूझ के वो ड्रिंक में मिला के पिलाया भाई, पैसों वैसों के लिए उसने ये सब करा है क्या। और अभी मैं पता नहीं इन एलियंस के पास कहाँ आ चुका हूँ, पता नहीं यार बॉडी में क्या ही देख रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये सब एल रूबियो करवा रहा है, डगन बॉस करवा रहा है या जिमी करवा रहा है। जिमी तो ये नहीं कर सकता यार ये, या तो भाई साहब कसम से हो कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड यार मैं एकदम कुछ सब कुछ अजीब अजीब सा क्यों दिख रहा है, और मैं आसमान से गिर रहा हूँ बट मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं फ्लाई करते करते आराम से नीचे आ रहा हूँ भाई। ये क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बढ़िया सा म्यूजिक बज रहा है, ऐसे लग रहा है हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी में है। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, चारों तरफ रेड कलर की ये अजीब अजीब सी लाइट्स नजर आ रही है और मेरे को माइकल की फैमिली के हर एक मेंबर की आवाज़ सुनाई दे रही है यार। या तो ये जो उस पाउड ओ भाई ये मैं कहाँ गया, ये सब सपना चल रहा था भाई 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 ओ ओ ओ ओ, ओ वोमिटिंग होगी बहुत गंदी वाली भाई यार, ये सब एक सपना चल रहा था इतनी देर से। ओके लेकिन जिमी सही में आया था गाइस, जिमी ने जब हमें गाड़ी से धकेला ना तो उसके बाद हम लोग रोड पे ही पड़े रह गए, कोई हमें घसीट के यहाँ पर ले आया और ये सब हम लोग सपने में देख रहे थे। और भाई कौन घसीट के लाया भाई, थैंक यू सो मच, रोड से तो हटा दिया वरना कोई ट्रक वाला कुचल के ही चले जाता। फिलहाल वो रहा सामने अपना घर भाई, जल्दी से मुझे घर पे पहुंचना है, बहुत अजीब से चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी ढंग से नज़र नहीं आ रहा चारों तरफ। जल्दी जल्दी भाई यहाँ से आगे निकलते हैं, कसम से यार बहुत ही गलत माहौल है। जिमी ने बस इतना बोल के गया कि वो सारा पैसा हमारे बैंक से निकाल लेगा, भाई चाहिए होता ऐसे ही बता देता यार इतने। ओ तेरी भैंस की ये पिटा, ये गंजा पिटेगा भाई, इतनी धीरे धीरे मैं आराम से रोड क्रॉस कर रहा हूँ गाड़ी रोकते रही। अरे भाई ये नुकसान होता है जब अपने पास वेपन्स नहीं होते, ये देख लो बंदे ऐसे घूमते हैं लॉस सैंटोस में,
फिलहाल अभी मुझे यहाँ से अच्छा खासा, मैं पैदल घर जा रहा था, मैं सोच रहा था किसी को ना परेशान करूँ, बट यार ये सब समझ नहीं आ रहा है, ये एल रूबियो की वजह से हुआ, ये सच तो नहीं था, वो UFO, वो एलियन मैं आसमान में उड़ रहा था, क्योंकि आसमान से जब मैं गिरा था मेरे पास पैराशूट नहीं था, और अगर मैं नॉर्मल गिरा होता तो जिंदा नहीं होता। तो मेरे को लग रहा है जब जिमी ने मैं वहाँ से धकेला था ना, उसके बाद ये सब हमें एक सपना आया था भाई, कसम से। सही है कि अभी हम लोग बच गए भाई, ये क्या ही हो रहा है ज़िंदगी में भाई, कसम से। जल्दी से यार अभी मैं ना घर से कुछ पैसे लेता हूँ, अपने पास कुछ भी नहीं है, कपड़े तक छीन लिए भाई किसी ने, वो एलियंस ने छीने हैं या किसी ने छीने हैं कोई आइडिया नहीं। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग घर में चलते हैं, और मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, उसे यार ये सब बात बताना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एल रूबियो हो सकता है कभी भी हमारे पास आके हमें मरवा दे। नहीं, एल रूबियो जरूरी नहीं है, हो सकता है डगन बोस भी हमारे पास आ जाए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पर पता नहीं आ रही क्या ही हरकतें होने लग जाती है। फिलहाल जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर कपड़े बदलने के लिए। सबसे पहले तो यार ये जिमी ये हरकत कर जाएगा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, और एक सेकेंड मुझे लग रहा था कि वो बैग जो है एल रूबियो को मिल गया है, बट वो बैग शायद से माइकल की मेड ने ला के उसके कपड़े बदलने वाले रूम में रख दिया था, और एल रूबियो को यानी वो बैग नहीं मिला है, यानी उसने मेरी बात पे विश्वास कर लिया कि वो जो चोरी है ढक्कन बोस नहीं करवाई थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के भी चला गया है। भाई भाई भाई, अब लेकिन ये बात तो है कि वो ढक्कन बोस को बहुत बुरे वाला मारने वाला है, अपना काम समझ लो, हो गया भाई सब कुछ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपना ये पर्सनल फेवरेट ग्रे वाला सूट पहन लिया है, और अभी अभी मुझे याद आया कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों को मिस्टर मद्रासो ने एक बहुत बड़ा लग्जरी मेंशन गिफ्ट किया था, क्योंकि जब हम लोग एल रूबियो के यहाँ चोरी करने गए थे तो लगे हाथ हमने उसके लिए कुछ पेपर्स भी वहाँ से चुराए थे, और उसके बदले तो भाई मतलब उसने क्या ही सरप्राइज दिया है। और साथ ही मैंने यार एक ना डॉग खरीदा था हस्की, वो भी बेचारा उस घर में अकेला ही होगा, अभी फटाफट से चल कर ना यार उससे भी मिलते हैं, उसे भी कुछ खिलाते पिलाते हैं, बेचारा भूखा बैठा होगा दो दिन से। मतलब कि यार हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो गए, बिजी क्या हो गए, बहुत बुरी तरह फंस गए इन सब झंझटों में, जिस वजह से ये सब चीजें यार बिल्कुल दिमाग से उतर गई। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी जी वैगन लेकर निकलते हैं, इसे रिपेयर भी करवाना है बैनी के पास ले जाके, और साथ ही वो जो अपनी मिलिट्री वाली कार यहाँ पर थी वो भी लास्ट टाइम बैनी यहाँ से लेकर जा चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी कार्स उसने अपने नए वाले घर पे शिफ्ट कर दिए है। भाई बैनी कसम से बहुत ज्यादा काम का बंदा है, उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ाने का मन कर रहा है कसम से। अभी यार ये वाली गाड़ी भी रिपेयर करवानी है, कसम से कितनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी थी, और क्या ही हालत कर दिया भाई इस कार की, और गाड़ी का पिकअप भी भाई एकदम ना खत्म सा ही हो गया है, पहले ये गाड़ी इतना ज्यादा कम मुड़ती थी और अभी तो भाई और भी कम मुड़ रही है मेरे को ऐसा लग रहा है। फिलहाल जल्दी से ना गाइस हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। अभी ओ, ओ, ओ एक सेकेंड बेटा, ठुक गई ना तेरी गाड़ी टूटेगी, मेरी गाड़ी तो वैसे ही टूटी हुई है, थोड़ी वो तो टूट जाएगी कोई, कसम से भाई वेट है ही नहीं इस बंदे को, तुरंत भगा के ले जा रहा है यार। हाँ तो गाइस अभी थोड़ा बहुत कैश मैंने अपने घर से ले लिया है, जिससे कि मैं एक नया फ़ोन खरीद सकूं। भाई फ़ोन खरीदेंगे उसके बाद ही तो लेस्टर से बात कर पाएंगे। फिलहाल छोड़ो यार, जल्दी से अभी चलते हैं हम लोग फोन स्टोर पे। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस कस्टम्स, क्योंकि यार अपनी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा ही धीरे चल रही है, इसलिए यार इसे ना बैनी के पास बाद में ले जाएंगे। मैं काम करता हूँ यार, अभी ना यहीं से रिपेयर करवा लेता हूँ, एटलीस्ट ये थोड़ी तेज़ तो चल पाएगी, तो भी फटाफट से खोल। वैसे यार देखो ये मुझे मालूम है गाड़ी अच्छे से तो मॉडिफाई नहीं करेगा, बट हाँ इतना तो कर देगा कि गाड़ी थोड़ी बहुत बढ़िया चले, और जितनी ज्यादा टूट फूट गई है ना इसको भी ठीक कर देगा, तो मेरे को प्रॉपर इसे रिपेयर करवाना है, लेट्स गो। तो ओके गाइस अभी फिलहाल अपना जो काम है वो हो चुका है, मैंने यहाँ से ज्यादा काम नहीं करवाया, गाड़ी मेरे हिसाब से अभी भी तेज नहीं चलने वाली, क्योंकि इसने ना गाड़ी सिर्फ बाहर बाहर से रिपेयर कर दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गाड़ी की स्पीड कितनी जा रही है, ये देखो पिकअप थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बट स्पीड 100 भी नहीं पार कर पा रही है। फिलहाल छोड़ो, मुझे जहाँ पर जाना था मींस आई फ्रूट स्टोर पे एक नया फ़ोन लेने के लिए, फाइनली मैं वहाँ अपनी गाड़ी लेके पहुँच चुका हूँ। एक काम करता हूँ गाड़ी यहीं पर पार्क लगा दूँ, नहीं सामने ही पार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ढंग की पार्किंग ही नहीं है हर आसपास, तो इन्हीं के स्टोर के बाहर मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। और अभी गाड़ी कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है यार, चमकती हुई, जो नई लुक आती है ना गाड़ी में तभी मज़ा आता है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। भाई बॉडी गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने अपने गेट पे, फोन्स तो इनके पास मिल जाते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने अपना फ़ोन लिया था वो भी मैंने यहीं से लिया था। अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फ़ोन तो इनके पास रखे हुए हैं, और वो जो आप फर्स्ट वाला फ़ोन देख पा रहे हो ना वो वही वाला फ़ोन है जो मेरे पास है। फिलहाल यहाँ पर लैपटॉप्स वगैरह मेरे को नहीं लेने, मैं पूछता हूँ इनसे इस वाले फ़ोन का प्राइस क्या है, लेट्स गो। तो ये रे भाई साहब जी, यहाँ पर क्या लगा रखा है टेबल इतना घटिया सा, तो ये बंदा तो अपना फुल फोन में मस्त हो रखा है। मेरी फिलहाल इससे बात हो गई है और ये कह रही है कि इस फोन का प्राइस $1,500 है, और यार अभी ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं अपने साथ यार पूरा कैश लेकर नहीं आया, मतलब मैं लेकर तो आया था
बट वो सारा का सारा मैंने LS कस्टम वाले को दे दिया गाड़ी रिपेयर करवाने में। और ये लड़की को मैं कब से देख रहा हूँ भाई, कस कस के लैपटॉप के बटन दबा रही है, इसको हटा दो भाई, बटन खराब करने आई है यहाँ पे। फिलहाल छोड़ो यार, अभी ना मेरे को थोड़ा सा कैश निकलवा के लाना पड़ेगा ATM से। लेट्स गो, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं यार। मतलब कि पैसा पड़ा हुआ है बट बैंक में है, कैश जितना भी था वो सारा आपको पता ही है यार खर्च हो जाता है, और घर पे इस टाइम पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है। फिलहाल सामने यहाँ फ्लीका बैंक, मुझे ज़्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ी से नहीं भी आता तो भी अपना काम हो जाता, वैसे बैंक से निकलवाने की जरूरत नहीं है। बाहर इन्होंने अपना ATM भी लगवा रखा है, हम लोग ATM से पैसा निकालते हैं, लेट्स गो। वैसे एक ही बार में ना इस टाइम मैं $10 million निकाल लेता हूँ, धीरे धीरे आराम से अपने खर्च होते रहेंगे। और यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग अपना पासवर्ड। ओके, तो भी मुझे निकालने हैं इस टाइम पर, विदड्रॉ मैं करता हूँ $10,000। और हमारे पास का इस टाइम पर 214,399 पड़े हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैंने पैसे निकाल लिए हैं। वैसे गाइस अभी ना फिलहाल मुझे याद आया, कुछ टाइम पहले ट्रेवर ने मेरे को एक शॉप बताई थी अपने लॉस सैंटोस में, वहाँ पर कोई भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टीवी 90% ऑफ मिल जाता है। मतलब जो चीज़ 10,000 की है वो 1,000 में मिल जाएगी। चलो यार जल्दी से ना उसी बंदे की शॉप पे चलते हैं, काफ़ी सारे पैसे अपने बच जाएंगे। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया है, और वो शॉप यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस मेरे को यहाँ से सीधा जाना है और आगे वाले कट से ना अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। और भाई साहब बंदे कितनी बदतमीजी में गाड़ी चला रहे हैं यार, मतलब इज्जत ही नहीं है। अभी मैं इनको दिखाता हूँ, वैसे क्या ही दिखाऊंगा यार, गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर जा ही नहीं पा रही है, चाहे मैं कितनी भी रेस देने की कोशिश कर लूँ। क्योंकि यार पूरी उन्होंने जो हरकतें करी है ना अपनी गाड़ी के टायर वायर पे, पता नहीं उन्होंने शायद से बैट मारे हैं या फिर कुछ भी करा है, गाड़ी लेकिन पूरी खराब कर डाली है अंदर से भी। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जो शॉप मुझे ट्रैवर ने बताई थी। तो फटाफट से हम लोग आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ लेते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे आया हूँ। तो फटाफट से मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है। वैसे यार जगह तो उसने मुझे यही बताई थी बट काफी टाइम पहले बताई थी ना, इस वजह से मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़ यार, मैं तेरे को क्या ही बोलूँ, वैसे इतनी ज़्यादा मुसीबतें चल रही हैं लाइफ में, ये लोग अलग लाला के गाड़ियाँ ठोकते रहते हैं। अंधा हो गया क्या भाई, मेरे को लग रहा है इस अपने ना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जा भाई जा, वरना भी तेरा टाइम भी मुझे ख़राब करना पड़ जाएगा। फिलहाल जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं। मुझे नहीं, एक तो ला के खुद ही ठोक रहा है जब तेरे को दिख रहा है, मैं और भैंस के चश्मे उतार दिया एक गुस्से में। फिर एक मिनट रुक जाए, मेरे पे गन्स वंस नहीं है, ये लोग इतना ज़्यादा फैल रहे हैं, खुद ही नहीं ला के ठोके, मैं आराम से लेफ्ट मोड़ रहा था, मेरी गाड़ी तो भी तेज चल भी नहीं पा रही, मतलब ये बोल नहीं सकता कि मैं तेज चला रहा था, थोड़ी देर ब्रेक मार लेता भाई, मैं वेट थोड़ी करूँगा कि कब यहाँ पर रेड लाइट हो या कब तू निकले तो मैं अपनी गाड़ी निकालूँ। फिलहाल छोड़ो भाई साहब, मुँह पे घूसा दे दिया है उसने रख के। तो चलो अभी फटाफट से ना हम लोग चलते हैं दूसरी साइड पे। यार जगह तो मेरे को यही लग रही है, एक मिनट, सामने की तरफ में, हाँ यहाँ से मुझे अंदर जाना है, पीछे से उसका रास्ता है। और ये बंद कर रखा है यार, ये ड्राइवर कहाँ कहाँ से सामान लेके जाता है यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को लग रहा है उसी को बुलाना पड़ेगा, बट यार इतने से काम के लिए मैं उसे क्या ही बुलाऊं। फिलहाल हाँ मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, तो मुझे यही वाला उसने जगह बताई थी शायद। डब्बे को पहले हम लोग यहाँ से हटाते हैं, चलते हैं अंदर। अभी मेरे को लग रहा था कोई शॉप वॉप होगी, कोई रूम होगा, ये क्या है, हेलो कोई है अंदर भाई साहब, यहाँ तो किचन विचन बना पड़ा है। और यहाँ भाई मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ना किसी के घर में आ गया हूँ यार, पीछे वाले रास्ते से। अरे ड्राइवर कसम से उल्टी हरकत है। ओ नहीं 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 नहीं, मैं पीछे वाले रास्ते से आ गया हूँ, शॉप का रास्ता सामने से भी है, तो ये है भाई साहब जी। तो अभी ना फटाफट से हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन है। तो ये है अपना iFruit 2, ये iFruit 2 का टैब है, ये अलग कंपनी का, ये नहीं चाहिए, ये भी iFruit 2 ही है। उस तरफ में काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, बाकी 9-10 फ़ोन भाई, उस इतने बड़े स्टोर से ज़्यादा फ़ोन तो मुझे यहाँ पर नज़र आ जा रहे हैं, देखो कितने ज़्यादा टंगे हुए हैं। इधर भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड पर लगा रखे हैं, मतलब यार वो इतना बड़ा स्टोर था बट उनके पास इतना सामान नहीं था, इनका जरा सा स्टोर है। और भाई स्टॉक देखो कितना ज़्यादा भरा पड़ा है, लैपटॉप भी, लैपटॉप के डब्बे डब्बे यहाँ पे भरे पड़े, उतने कंप्यूटर्स हैं, हेडफोन सब कुछ, कैमरास वगैरह सब है भाई। तो अभी ना हम लोग iFruit 2 लेते हैं जो अपने पास पहले था। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इसने मेरे को एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन निकाल कर दे दिया है, और अब से मुझे कोई भी सामान लेना होगा ना तो मैं सीधा डिजिटल 10 ही आने वाला हूँ, क्योंकि भाई 90% ऑफ है। फिलहाल इसका एकदम सॉफ्टवेयर भी अपडेट है, वॉलपेपर एकदम नए वाला आ रहा है। तो चल ब्रो थैंक यू, मैं अब यहीं से आने वाला हूँ सामान लेने, iFruit स्टोर हम लोग नहीं जाएंगे आज के बाद। फिलहाल अभी जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे को लेस्टर को भी कॉल करना है भाई, फटाफट से उससे बात करते हैं। बट पहले ना मैं इस एरिया से निकलता हूँ, वो अपना आराम से गाड़ी में बैठ के बात करेंगे भाई, क्योंकि कुछ पता नहीं भैया किस्मत इतनी ख़राब चल रही है, कौन आके कब ठोक जाए। और ये देखो गाड़ी भी धोखा दे रही है भाई, मैं दबा रहा हूँ लॉक इधर का,
और सेंसर भाई डिटेक्ट कर रहा है कि मैं इस तरफ खड़ा हूँ और गेट वो वाला खोल दिया। चलो कोई नहीं, फिलहाल गेट हम लोग बंद करते हैं। ये सारी कस्टमाइजेशन बैनी ने करी है, मतलब आपने सुना होगा लॉक हो तो जाता है रिमोट की से, बट इससे डोर खुल भी जाता है। कितनी तगड़ी कस्टमाइजेशन है यार। बट अभी इसको भी हमें और भी काफी ज्यादा मॉडिफाई करवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को। तो ओके गाइस लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा अपने न्यू मेंशन पे। और अभी ना फिलहाल मेरी बीच रास्ते में लेसर से भी बात हो चुकी है। मैंने उसे पूरा का पूरा सीन बता दिया कि भाई हमने एक चोरी करी थी और जिसके यहाँ से चोरी करी थी वो बंदा हमारे घर पे आके हमें किडनैप करके ले गया और हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी बट कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कह रहा कि मैं तुम्हें एक माइक दूंगा, वो माइक तुम हमेशा से अपने पास रखना और कोई भी दिक्कत हो सीधा उस माइक पे बोल देना और उसे मतलब पता चल जाएगा। जैसे कि उन लोगों ने फ़ोन छीन लिया था इसलिए हम लोग लेस्टर तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक लेस्टर ये जो हमें किसी भी सिचुएशन से बचा सकता है। फिलहाल अभी मैं घर पे तो आ चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस घर का गैराज कहाँ पर है यार। मतलब दो साइड के गेट तो मैंने देख लिए पर अभी मेरे को यहीं से अपनी गाड़ी अंदर लानी पड़ी और गेट की वजह से स्क्रैच तो नहीं आए। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई बैनी ने कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लाकर एकदम खड़ी कर दिया है, बट ये कार खड़ी करने की जगह नहीं है। इस घर का गैराज शायद से दूसरे वाले रोड पे है और अभी मुझे इसे ग्रास पे ही ले जाके खड़ी करना काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहा है, क्योंकि ग्रास खराब हो जाती है ना तो फिर लुक चले जाती है भाई ग्राउंड की। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई अपनी तीनों कार्स कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अपने पास ये तीन सुपर कार है और इस तरफ में भाई ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस और ये रही मिलिट्री कर्नल वाली कार जो कि अपनी हो चुकी है, बट हम लोग इस कार को चला नहीं सकते क्योंकि यार ये कार एक टाइप से गवर्नमेंट कार है। हमें इसे दोबारा से मॉडिफाई करके फ्लैग्स वगैरह ऊपर से सायरन सब कुछ हटाना पड़ेगा, तब ये कार वापस एक नॉर्मल बंदे के लिए हो जाएगी। और इस तरफ में खड़ी है अपनी रोल्स रॉयस फैंटम लिमोसिन और ये खड़ी है अपनी कावासाकी निंजा S2 सुपर बाइक। फिलहाल यार देखो मैं घर तो इसलिए आया था कि हम लोग अपने डॉग हस्की से मिल लेंगे, बट यार अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। उसने बेचारे ने शायद दो दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा, उसे कुछ खिलाते पिलाते और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी मेरे को बैनी का भी कॉल आया था बीच रास्ते में और बैनी कह रहा है जिसके गैराज में हमने वो सारी कार्स रखवाई थी ना, आप लोग को पता होगा जो टूर्नामेंट हम लोग जीते थे उसमें से हमें काफ़ी सारी कार्स मिली थी और वो कार्स ले जाकर हमने किसी बंदे के गैराज में खड़ी करवा दी थी। बट अभी यार वो गैराज का जो ओनर है ना वो कह रहा है कि तुम ये सारी कार्स ना यहाँ से लेकर जाओ। और अभी फिलहाल ये देखो भाई अपना डॉग जो है इसके साथ खेलने में फुल मस्त हो रखा है यार। अपना गार्डनर ना इसका फुल एकदम ध्यान रख रहा है, इसके खाने पीने का भी और साथ में इसके खेल भी रहा है भाई। दोनों अपना गोल गोल भागे जा रहे हैं। चलो सही है, उसकी भी आराम से रनिंग वनिंग हो रही है, ये भी अपना एकदम चुस्त रहेगा। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मुझे नहीं लगता है इसे खिलाने पिलाने की जरूरत है और मैं भी इससे मिलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मिलूंगा तो क्या पता ये भी अपने साथ चलने के लिए रेडी हो जाए, जो कि मेरे हिसाब से बेकार रहेगा क्योंकि अभी भाई वहाँ जाना है गैराज में गाड़ियाँ उठवा के। अपना जो नया वाला शोरूम है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसको भी थोड़ी बहुत कैश पेमेंट करनी है और वहाँ पर चल के वो सारी गाड़ियाँ रखवाते हैं। एक काम करता हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस लेकर चलते हैं, क्योंकि बाकी कार से उतनी मतलब है तो सारी बढ़िया, बट ये कार की थोड़ी बात अलग है, कहीं पर भी ले जाओ। बाकी जितनी भी यहाँ पर कार्स है ना सबसे बेस्ट साउंड उनमें से इसी का है, जेस्को का भी अच्छा है बट इनमें से सबसे बेस्ट इसी का मैं कहूँगा। फिलहाल अभी गाड़ी यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ, लेट्स गो यहाँ से राइट मोड़ते हैं। ओ भाई भाई मैं इतनी देर से खाली पीली कन्फ्यूज़ हो रहा था, दो गेट इस घर के यहाँ पे हैं और जो गैराज है वो बगल में ही है ये देखो भाई। तो अब से मैं अपनी गाड़ियां यहीं पे लाके खड़ी करूंगा। हाँ तो गाइस हमें ना गेट थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। फिलहाल अपनी लैम्बोर्गिनी और उसको मैंने अपने घर से बाहर निकाल लिया है, फटाफट से नबी से लेकर निकल लेते हैं सीधा बैनी के पास। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई आराम से, नहीं 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 अरे भाई भाई आउट, बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ भाई, बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं आ रही, क्योंकि ये अभी मैं चला रहा था स्लो कार जो 80 की स्पीड में थी और वो पूरी SUV की तरह चल रही थी। ये है तो SUV बट चलती सुपर कार की तरह, बस डिफरेंस यही है। फिलहाल अभी इसे भगाते हैं, बहुत हो गया। तो गाइस यार ये शॉर्टकट के चक्कर में ना मैं पता नहीं कहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर आ गया हूँ। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग इसे यहाँ से नीचे उतारते हैं। हाँ तो यहीं से मुझे जाना है अंदर की तरफ में। और ये देखो भाई ये सारे लोग यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, तो ये रेलवे ट्रैक है पूरा और शायद से ही उसकी शॉप के बाहर ही निकलने वाला। और लेट्स गो हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए, तो फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ से पहले तो आगे लेकर चलता हूँ। बैनी है क्या यहाँ पर? वैसे बैनी ओके बैनी यहाँ पर खड़ा हुआ है। सॉरी भाई इस गाड़ी का साउंड इतना तगड़ा, बंदे पहले ही डर जाते हैं। तो यार एक काम करते हैं ना, लगे हैं तो इस गाड़ी को भी लोड कराता हूँ, क्योंकि दो ट्रेलर में अपनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर बैनी ने ऑलरेडी लोड करवा दी है। तो सीधी सी बात है मुझे भी एक ट्रेलर ड्राइव करना पड़ेगा, एक ट्रक ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई ये वाली जो गाड़ी है मैं इसको इस वाले में ही लोड करवा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी SUV है, उसे काफ़ी ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा। बट इसके अंदर सारी की सारी सुपर कार्स है, इसको एकदम बढ़िया तरीके से मैं चलाऊंगा। तो फटाफट से अभी इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और जल्दी से इसके रैंप को ओपन करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने बैनी को बोल के इस दूसरे वाले ट्रेलर का पीछे वाला जो रैंप है इसे ओपन करवा लिया है और लगे हाथ में इसके ऊपर अपनी SUV मीन्स ये लैम्बोर्गिनी और उसको लोड करवा लेता हूँ।
क्योंकि यार लास्ट टाइम की तरह सीन ना हो, हम लोग अपनी सारी गाड़ियाँ इधर उधर छोड़ देते हैं और फिर वो गलती से चोरी हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, कोई उठा के ले जाता है, तो वो सब सीन ना हो। तो लेट्स गो, अभी फटाफट से मैंने इसे भी एकदम मस्त तरीके से लोड करवा दिया है। थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा, उससे टच ना हो, यार एडजस्ट हो जाए बस से किसी तरीके से। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली अपनी एक गाड़ी और यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लोड करवा के बाहर आ चुका हूँ और बेनी ने वहाँ पर फोन से इस ट्रेलर का ये जो रैंप है पीछे वाला, इसे बंद कर दिया है। तो यार अभी ना फटाफट से हम लोग ना दोनों ट्रेलर को लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने नए वाले शोरूम के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई यार उसे देखने के लिए कि वो कैसा बना होगा। लास्ट टाइम तो जो मेन एरिया था वो बन गया था, बट पीछे वाला एरिया ना पूरा रह रहा है। और दो मिनट बैनी, पहले मेरे को निकालने दे, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यार। हम लोग ना यहाँ पे बहुत गलती लेकर आ गए हैं। नहीं यार, मैं खाली पीली टेंशन ले रहा हूँ, आराम से निकल जाएगा। ट्रक पीछे से हल्का सा भिड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब इतने छोटे मोटे स्क्रैच ना ट्रक के लिए चलते हैं। फिलहाल अगर कोई आगे आ रहा है तो भाई पहले बता दो, वरना मैं अपने ट्रक को यहाँ से निकालूँ। लेट्स गो, कोई भी नहीं है। और बैनी भी अपना ट्रक जो है लेकर आ चुका है, आराम से आराम से आराम से, पूरा एकदम मस्त तरीके से मैंने इसे मोड़ा है। लेट्स गो गाइस, फाइनली अपना ट्रक यहाँ पर बाहर आ चुका है। अभी ना गाइस हाईवे पर लेकर चलते हैं इसे पहले, वैसे हाईवे यही वाला जाएगा, बट ये रॉन्ग वे है, गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है। हाँ तो हमें यहाँ से इसे मोड़ लेना चाहिए। ये मैंने मोड़ लिया। ले आ भाई बैनी, आराम से ले आइयो भाई। ट्रक को चलाना ना काफ़ी ज़्यादा झमेले वाला काम है, और भी ये सारे हाईवे एकदम पूरे, यू टर्न कहाँ से मिलेगा यार यहाँ पे मेरे को, क्योंकि पूरा का पूरा लेफ्ट साइड ही जाना है। वैसे आगे वाले कट से ना हम लोग राइट ले लेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे यार एक सेकेंड, मैं खाली पीली टेंशन ले रहा हूँ, मेरे को अपने पुराने वाले शोरूम में नहीं जाना, नए वाले शोरूम में जाना है। तो उसके लिए मुझे मतलब पहले कट से ही राइट लेना पड़ेगा भाई, मैं भूल गया था कि ये वाला शोरूम कहाँ पर है। तो हम लोग अपने ट्रक को ना यहीं से नीचे उतारते हैं। बैनी तू आ रहा है ना? ओके, बैनी भी अपना ट्रक ला रहा है भाई पीछे पीछे। कोई कुछ पता नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े ट्रक है, कब एक्सीडेंट हो जाए कोई वो नहीं है। अभी फटाफट हम लोग इसे यहाँ से राइट मोड़ते हैं, लेट्स गो। अब भगाते हैं सीधा, अभी स्पीड देखो। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अपना ट्रक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने नए वाले शोरूम में। फिलहाल बैनी भी अपने साथ पीछे पीछे अपना ट्रक लेकर आ रहा है, और अभी ना मुझे आगे वाले कट से अपने ट्रक को लेफ्ट मोड़ना है। और एक सेकेंड, अपना ये शोरूम इतने दिन से अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट इसके अंदर मुझे ना यार देखो ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे पक्का पता है यहाँ पर कोई ना कोई गलत सीन तो हुआ ही है। पक्का अंधा है क्या ये बंदा? भाई खुद ही ला के पीछे से गाड़ी रोकी, आजा लड़ ले भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है, हर बंदे से अपनी लड़ाई हो जा रही। हाँ क्या दिक्कत हो रही है अभी तेरे को? नहीं समझ आ रही बात भाई साहब, आराम से मैं अपना ट्रक ले जा रहा हूँ। वैसे गलती मेरी भी थी, मैं ना लेफ्ट लेन में चला रहा हूँ ना राइट लेन में चला रहा हूँ। और तेरी भैंस की, निकलना यहाँ से, रख के किसके मैंने घुसा यहाँ पर मार दिया है। फटाफट से बैठते हैं ट्रक में, आगे से भी मुझे इसे लेफ्ट मोड़ना है। यार खाली पीली पिटने वाली हरकत है, इतना एरिया पड़ा है लेफ्ट से निकालना। मैं तो बस इसलिए जा रहा था इस लेन में क्योंकि मुझे भी मोड़ने के लिए ना भाई, बड़े ट्रक का यही सीन होता है, इसे मोड़ना है, पूरा घुमा के लाना पड़ेगा। फिलहाल कोई आ तो नहीं रहा ना भाई, दो मिनट में अपना ट्रक पहले निकालता हूँ। ले आ भाई बैनी, तू भी जल्दी से ले आ, आराम से लाइयो, बंदे बिल्कुल यहाँ के एकदम अंधे ठोक ही देंगे लाके। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम में, मुझे ना एक बार ही अंदर चलकर देखना पड़ेगा आखिर सीन हुआ क्या है। वैसे आगे वाली साइड तो पूरी कंप्लीट हो ही गई थी, बट अभी पीछे वाली साइड भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बैनी भी अपना ट्रक लेकर आ चुका है। हम लोग एक काम करते हैं ना गाइस, वैसे सारी सुपर कार्स कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है ना ऊपर रखी हुई। तो हाँ गाइस, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं और मैं अपनी ये जो लैम्बोर्गिनी उरुस है ना, इसको लेकर चलता हूँ एक बार अंदर ना, देख कर आता हूँ। गैराज वगैरह सब कुछ गाइस बन गया है, तो मुझे बस देख कर आना है, बाकी जो सारी गाड़ियां हैं बैनी आराम से अपना अंदर लोड करवाता रहेगा। क्या यार ये सब काम अपने लमार कर दिया करता था, बट अभी फिलहाल लमार का कुछ अता पता नहीं है, वो कहां पर है, शोरूम पे क्यों नहीं आ रहा। फिलहाल अपनी गाड़ी मैंने यहां पर एकदम आराम से बाहर निकाल ली है, जल्दी से नहीं से एक बार अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उस बिल्डर ने यहां पर बैक साइड में और फ्रंट साइड में क्या क्या मॉडिफिकेशन करके बनाया है। और गलती से ना मैंने अपनी गाड़ी को आगे से ठोक दिया है, हल्की सी ठोकी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब क्या ही तगड़ा बना दिए भाई इन्होंने पीछे वाला गैराज। तो गाइज ये एरिया मैंने उसे स्पेशली बनाने के लिए बोला था, यहाँ पर अपने पास जितनी भी कार्स आएगी ना, मतलब देखो यार जरूरी नहीं है कि हमारे पास थोड़ी बहुत ही कार्स हैं, थोड़ी बहुत कार्स हुए अपनी मेन आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर खड़ी रहेगी, शो ऑफ के लिए मीन्स शोरूम में खड़ी रहेगी। और बाकी ये जो एरिया है यहाँ पर बाकी कार्स को हम लोग लाके खड़े कर देंगे। मतलब गाइस ये कोई एक पार्किंग नहीं है, ये एरिया स्पेशली इसलिए बनाया कि अपने पास अगर काफ़ी सारी कार्स का स्टॉक भी आ जाता है ना, तो हम लोग उसे यहाँ पर आराम से खड़े कर पाएँ, क्योंकि लास्ट वाले शोरूम में अपने पास इस चीज़ के लिए स्पेस नहीं था। जितनी भी गाड़ियाँ आती थी वो हमें शोरूम के नीचे खड़ी करनी पड़ती थी। तो गाइस देखो मैं आप लोग को मेन शोरूम हॉल दिखा चुका हूँ, पीछे वाला गैराज एरिया भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करवा दिया है, बड़ा बारी है।
इस स्पेशल डोर को खोल के आप लोग को दिखाने की कि आखिरकार इस बिल्डर ने यहाँ पर क्या बनवाया, मतलब मैंने उससे यहाँ पर क्या बनवाया। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने स्पेशली बैनी के लिए बनवाया। वैसे उसने ना यहाँ पर एक कमी कर दी, इसके अंदर गाड़ी जानी है और उसने यहाँ पर भाई सब कोई भी रैंप वगैरह लगाया ही नहीं। फिलहाल यहाँ का जो गैराज है वो खुल चुका है और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई ये कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। भाई साहब पूरी ताजमहल वाली लुक आ रही है अंदर आके तो। और ये एरिया ना गाइस स्पेशली बैनी के लिए, यहाँ पर और कोई भी नहीं आएगा, मतलब बंदा अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवाने यहाँ पर आएगा। 3 से 4 गाड़ियां एक बार में यहाँ पर आ सकती है और वो बंदा यहाँ पर आराम से बैठकर चिल मार के रेस्ट कर सकता है फुल एकदम। उसके लिए कॉफी वॉफी भी हो जाएगी, टीवी भी यहाँ पर लग चुका है और वार्डरोब ये शायद से बैनी के लिए ही होगा। और बैनी आराम से यहाँ पर भाई गाड़ी भी मॉडिफाई करेगा, रह भी सकता है रहने को। और यहाँ पर ये शायद से वॉशरूम होगा, बट अभी मैं अंदर नहीं जाने वाला भाई। यहाँ पर सोच रहा हूँ एक बड़ी सी डिस्प्ले ला के लगवा दे थिएटर वाली। वैसे नहीं यार, बैनी यहाँ काम करने आ रहा है, मूवी देखने नहीं। तो हाँ यार, ये जैसा भी है काफी ज्यादा मेरे को बढ़िया लग रहा है। मतलब अगर बंदे को गाड़ी मॉडिफाई करवानी है तो वो पीछे से अपनी गाड़ी लेकर आएगा या अंदर गैराज में लाएगा बैनी से मॉडिफाई करवा के, उसके बाद अपनी गाड़ी को यहां से, तो रॉन्ग वे होगा वो, अपनी गाड़ी को अगर उसे यहां से बाहर निकालना तो उसे पूरी घुमा के ले जानी पड़ेगी। तो ओके गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग ये सारी की सारी गाड़ियां बैनी के साथ मिलके इस गैराज में खड़ी करवा देते हैं, क्योंकि अभी जो अपना मेन शोरूम हॉल है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करवा देंगे तो सीधी सी बात है गाड़ियाँ गंदी हो जाएगी। बाकी ये बिल्डिंग का क्या करना है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। उस बिल्डर ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगवाई थी, मुझे तो लग रहा था पूरी तोड़ के बनाएंगे, बट पता नहीं यार ये क्या ही कर रहा है। पैसों की कमी पड़ गई है क्या सीन था, उससे बात करेंगे। फिलहाल बैनी को बोलता हूँ जल्दी से सारी गाड़ियाँ रखवाते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है। ये कह रहा है कि ये एक एक करके सारी की सारी गाड़ियाँ गैराज में पार्क कर देगा। बट यार अभी ना सच्ची में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे अभी अभी एल रूबियो का कॉल आया था और उसने कॉल पे सिर्फ इतना बोला है कि तुम फटाफट से कायो पेरिको आइलैंड आ जाओ, उसके कुछ बॉडीगार्ड हमें लेने के लिए लॉस सैंटोस बीच पे आ रहे हैं। मतलब यार मुझे लग रहा था उसने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है वो मुझे मार सकता था, उसने मुझे मारा नहीं, उल्टा मेरे घर के सामने ले जाकर एक जगह पे उसने मुझे फेंक दिया। तो मुझे लग रहा था सब कुछ एकदम क्लियर है, अब कोई सीन बैठता नहीं है कि वो मेरे को आके मारे। बट अभी वो खुद ही कायो पेरिको बुला रहा है और सीधी सी बात अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उसे फिर से लॉस सैंटोस आना पड़ेगा और अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार ही चल कर देखते हैं, मेरे हिसाब से वो हमें मारेगा नहीं, उसके पास कोई और ही प्लान है या फिर कुछ और हमसे काम होगा, क्या पता यार। चल कर देखते हैं फटाफट से भाई, अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बैनी को बोल दिया है। बट हाँ यार एक बार के लिए ना मैं लेस्टर को कॉल कर देता हूँ, मैं कसम से उसे कॉल करना भूल जा रहा हूँ। बट पहले ना मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, उसने कोई टाइम तो नहीं बताया, उसने कहा कि तुम बस वहाँ पर पहुँच जाओ, मेरे गार्ड्स पहुँचते ही होंगे। अब पता नहीं यार कायो पेरिको से अगर बंदा निकलेगा तो यहाँ पहुँचने में टाइम तो लगता है यार, देखो कम से कम 4 से 5 घंटे तो जाने हैं, 4 घंटे फिर भी जाने हैं। बट फिर भी चलते हैं, देखते हैं भाई कब तक आता है। फिलहाल पहले पहुँचते हैं बीच पे। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुँचने वाला हूँ सीधा कायो पेरिको आइलैंड पे। ओ सॉरी, कायो पेरिको आइलैंड पे नहीं, डेल पेरो बीच पे, क्योंकि जो एल रूबियो की गार्ड्स है वो मुझे यहीं पर लेने के लिए आ रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, मैं वेट करता हूँ उनका भाई, पता नहीं कब तक आएंगे। फिलहाल यार कसम से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है यार एल रूबियो हमें वहाँ पर किस लिए बुला रहा है, कहीं मार ना दे, बस टेंशन इस चीज़ की है। बाकी वही मैंने सोचा कि अगर उसे मार नहीं होता तो मार तो पहले भी सकता था, उसने मारा नहीं। बट फिलहाल ना अभी मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर देता हूँ, क्योंकि यार अभी वो यहीं पर आएंगे, शायद हेलीकॉप्टर वगैरह से आएंगे और मुझे एकदम साथ ही निकलना पड़ेगा। जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ और पहले ना यार लेस्टर को कॉल कर लेते हैं। मैं तब से बोले जा रहा हूँ भाई उसे कॉल करना है, बट यार टाइम मिला नहीं। और ये जगह कितनी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर रात के टाइम आओ ना तो अलग ही हिसाब रहता है। फिलहाल जल्दी से कॉल मिलाते हैं लेस्टर को। भी फिलहाल लेस्टर ने कॉल उठा लिया है और माइकल काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, क्योंकि भाई उसके घर पे ही आ गया था ना एल रूबियो इस चीज को लेकर। आई एम लुकिंग फॉर पर्सपेक्टिव लेस्टर, दे केम आफ्टर माय फैमिली। ऑलराइट राइट, आई डोंट नो व्हाट टू से। दिस इज चेंज। तो भी भाई सब कुछ बता दे कि वो तो सही है, फैमिली घर पे नहीं थी। वी मूव ऑन दैट राइट अवे बिफोर इट गेट्स एनी हॉटर। ओके okay, तो वही है कि अभी फैमिली बाहर है इसलिए बच गए, वरना हो सकता है उन्हें भी किडनैप कर ही ले जाते। बट सही है। तो गाइस देखो, बिना मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है और मैंने इसको पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि एल रूबी अपने घर पर आया था और उसके बाद भाई वो हमें एक जगह पे पकड़ कर ले गया, उसने हमें बंद कर दिया और उसने पूछा कि ये सब चोरी तुमने क्यों करी, और मैंने उसे बता दिया सब डगन बॉस ने करवाई है। बट अभी वो दोबारा में कायो पेरिको बुला रहा है, जैसा कि आपको पता होगा मैंने सब कुछ लेस्टर को बता दिया है। और लेस्टर कह रहा है कि तुम कायो पेरिको जाने से पहले ना एक काम कर दो। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर मेरे को लग रहा था उसके गार्ड्स का ही होगा, बट अच्छी बात है किसी और का है, वो अभी मेरे को लेने नहीं आया है।
तो लेट्स ट्राई दैट। अगर हो सके तो डगन बॉस का लॉस सैंटोस वाला शोरूम पूरा बम ब्लास्ट करके उड़ा डालो और उसे कॉल करके बोल देना कि ये जो बम ब्लास्ट है ये एल रूबियो ने करवाया है। इससे क्या होगा, फाइट दोनों तरफ से हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। क्या पता एल रूबियो के दिमाग में एक चीज क्लियर हो कि ये जो चोरी है भाई वो डगन बॉस ने नहीं करवाई होगी, और कोई भी हो सकता है। फिलहाल अभी ना कुछ भी सही से क्लियर नहीं हो रहा है, बट मेरे हिसाब से जैसा जैसा लेस्टर कह रहा है ना मैं वैसा वैसा करते जाना चाहिए। तो उसने मैं साफ सीधी बात बोली है कि उनके गार्ड्स के आने से पहले तुम एक काम करो, बॉम्ब्स खरीदो जितने भी हो सकते हैं और सारे बॉम्ब ले जाके उसकी जो डीलरशिप है मींस उसका जो शोरूम है लॉस सैंटोस वाला उसको पूरा उड़ा दो और उसे कॉल करके इतना बोल दो, मतलब एक अननोन नंबर से कॉल करके हमें उसे बोलना है कि तुम्हारी जो डीलरशिप है वो एल रूबियो के गुंडों ने आके पूरी फोड़ डाली। इससे क्या होगा, उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। और अभी एल रूबियो के पास हम लोग जा ही रहे हैं, तो सीधी सी बात है अभी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक साइड से थी, बट अब दोनों साइड से हो जाएगी। तो भाई साहब सीधी सी बात है ये दोनों आपस में ही लड़ मर जाएंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वैसे ये गुड न्यूज मुझे बिग माफिया के भाई को भी दे देनी चाहिए, बट यार उसका कौन ले आया, दो दिन से मैं फंस गया था, उसने कोशिश भी नहीं करी यार मेरे को बचाने की। वैसे यार उसको नहीं पता होगा ना मैं कहाँ पर हूँ। फिलहाल जल्दी से हम लोग चल, मुझे तो यार ये तक नहीं मालूम है कि उसके लॉस सैंटोस में शोरूम भी था भाई डक्कन बॉस का, वो भी मतलब यार वही मैं सोचूं हमारे शोरूम से कार्स क्यों नहीं बिखरी। उसने भी कोई लग रहा बहुत बड़ा शोरूम यहाँ पर खोल रखा है, और जितने भी लॉस सैंटोस के बंदे हैं वो सब लोग अपनी कार्स वहीं से खरीद रहे हैं, तो अपना डबल फायदा होगा, उसका शोरूम टूटा है अपना जो नया शोरूम बना है उसको भी फायदा मिलेगा, और दूसरी चीज़ ढक्कन बॉस ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी सबसे पहले मुझे जाना है एम्यूनिशन की शॉप पे बॉम्ब्स और कुछ गन्स खरीदने के लिए, क्योंकि अभी कावे पैरी को जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेफ्टी भी होनी चाहिए। यार यहाँ पर कोई एम्यूनिशन का शॉप था तो यार इधर ही कहीं, मैं एक दो दिन पहले जब आया था मैंने देखा था यहीं कहीं आसपास आया, बट मेरे को ना अच्छे से याद नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर इधर लेफ्ट में एक शॉप होगा, इसके आसपास था यार। ओके 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 गाइस, तो फिलहाल मुझे शॉप मिल गया भाई, ये तो वही बात होगी बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, भाई पूरे में ही घूम के आ गए, पर मेरे को थोड़ा सा ही आगे आना था और शॉप मिल जाती। फटाफट से गाइस अभी हम लोग ना अंदर चलते हैं। भाई कुछ टाइम पहले तो पुराने वाले मिलिट्री करने लिए शॉप बंद ही करवा दी थी सारी की सारी, बट अभी खुल चुकी है इसलिए हम लोग यहाँ से जो चाहे वो वेपन्स ले सकते हैं। वैसे मुझे स्टिकी बॉम्ब्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ, हाँ तो ये वाले बॉम्ब भी अच्छे होते हैं, ग्रेनेड्स नहीं लूंगा इससे कुछ ज़्यादा सीन हो जाएगा। ये वाले बॉम्ब खरीद के ना चुपचाप से ब्लास्ट करेंगे, तो मैं ढेर सारे यहाँ पर खरीद लेता हूँ, लेट्स गो, जितने होंगे सारे खरीद लूंगा भाई क्योंकि अभी पैसे पूरे हैं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने बॉम्ब्स तो ढेर सारे खरीद लिए हैं, एक काम करता हूँ लगे हाथी मैं एक अपने लिए M416 भी ले लेता हूँ, क्योंकि यार पहले वाले और इसके अंदर को भी सब चीज़ लगवानी है, इसके अंदर गोल्डन टिंट भी लगवा दो, सप्रेसर हो गया, एक लाइट भी लगवा देता हूँ भाई गन में, इंपॉर्टेंट है, एमो ले लेते हैं इसके लिए ढेर सारी। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी गन में सप्रेसर, स्कोप, ग्रिप, फ्लैश लाइट, एक्सटेंडेड क्लिप सब कुछ लगवा दिया है, और फटाफट गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। आर्मर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा आर्मर पड़े थे वो मैंने पहन लिए हैं। लेट्स गो गाइस अभी फटाफट से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और जो लोकेशन लेस्टर ने दी है हम लोग जल्दी से उस जगह पे चलते हैं। और यार ये गाड़ी के सिस्टम ही अजीब हो रखे हैं, रुक जाओ इसे लॉक करो भाई और फटाफट से चलते हैं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को रोंग वे बहुत तेज भगाता हुआ लाया हूँ सीधा डगन बॉस के लॉस सैंटोस वाले शोरूम पे। फिलहाल इस वाले कट से जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग राइट मोड़ते हैं क्योंकि मैं उसके शोरूम पे पहुंच चुका हूँ। यही लोकेशन मुझे लेस्टर ने दी है, और भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा शोरूम है, मुझे लग रहा था सबसे बड़ा वाला शोरूम अपना ही है, फिलहाल तो भी अपना ही है, बट जो पहले वाला है ना ये सेम टू सेम उसी साइज का या फिर उससे बड़ा है। भाई एक मिनट मैं पहले अपनी गाड़ी ना यहाँ से पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हों जो कि हमें दिक्कत कर सकते हैं। मेरे पास स्टिकी बॉम्ब है और गन्स वगैरह पूरी रेडी है, तो ये जो बॉम्ब है ना मुझे एक एक करके ना इसके शोरूम की वॉल पे, वैसे पीछे ओ भाई ये एरिया क्या बना रखा है, किसी और की बिल्डिंग का, बस गेट यहाँ का खुला हो, लेट्स गो, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस देखो अब बस मुझे ना एकदम बेस्ट जगह पे बॉम्ब लगाने हैं, जहाँ पर ब्लास्ट करते ही इसकी पूरी की पूरी डीलरशिप ना बस उड़ जानी चाहिए, मतलब बच ना जाए, एक एक कार पूरी मैं फोड़ के यहाँ से जाऊँगा। तो एक बॉम्ब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ये हाथ से डायरेक्ट कैसे छूट गया भाई, सामने जाना, हाँ अभी ही पूरा जो पिलर है ना ये बहुत गंदा वाला गिरेगा, उस साइड चलता हूँ यार, वहाँ पर एरिया कमजोर लग रहा है मेरे को, वहाँ से तोड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा बट वहाँ पर जाने लायक नहीं है। मैं काम करता हूँ बॉम्ब फेंक देता हूँ, ठीक है बॉम्ब अपना नीचे गिर जाएंगे। पर हेलीकॉप्टर क्यों आ रहा है, हेलो एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर है, मेरे को तो नहीं देखा ना, पता चला डक्कन बॉस की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गई है। वैसे हेलीकॉप्टर पुलिस वालों का, अपने को कोई डरने वाली बात नहीं, और ये मेरे को पकड़ने नहीं आ रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ ये वाली जो वॉल है ना भाई, यहाँ पर तो दो बॉम्ब मैंने रख दिए हैं, अभी जाना पड़ेगा यार दूसरी साइड पे, और उस साइड जाने के लिए यार मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओ यहाँ से मैं चढ़ जाऊँगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अब भी एकदम मस्त है भाई। एक बार अगर मैं उस साइड चले जाऊँगा ना तो मैं सारे बॉम्ब एकदम सही से लगा दूंगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर कोई बॉडी, भाई साहब इसने क्या क्या बना रखा है शोरूम में, भाई सन बाथिंग के लिए वहाँ पर सीट्स लगा रखी है,
तो एक बॉम्ब अपना इस वाली वॉल पे गया, एक और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये वाला बॉम्ब भी इस वॉल पे लगा दिया है, एक वहाँ नीचे ग्राउंड वाली वॉल पे, यार हाथ से पता नहीं क्यों छूट जा रहे हैं बॉम्ब। ओके ठीक है, एक बॉम्ब मैंने वहाँ फेंक दिया, एक बॉम्ब यहाँ फेंक दो। ये वाली जो वॉल है ना गाइस, ये इस ब्लास्ट से तो पूरी उड़ जाएगी। अब मेरे को पत्ता सेट करना है दूसरी वाली साइड का, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान से। हाँ यहाँ पर भी जमीन पे मैं डायरेक्ट इस बॉम्ब, वहाँ कहाँ चला गया, हेलो इसके बस अभी एकदम परफेक्ट है। ये वाली साइड से भी हम लोग बॉम्ब को पूरा उड़ा देंगे। ये भी अटैच हो गया। ये भाई साहब शोरूम में आप लोग देखो, बंदे तो यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भाई वहाँ पर मैकेनिक्स भी कम से कम 5 से 6 हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना, फिलहाल मैंने एक एक करके इस बिल्डिंग के चारों तरफ ये स्टिकी बॉम्ब एकदम बढ़िया से अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर भी मैं नीचे लगा देता हूँ, वैसे एक बॉम्ब मैं इधर लगा चुका हूँ। एक काम करते हैं, बस ये जो दूसरी वाली साइड रह गई है ना, इधर मुझे थोड़े बहुत बॉम्ब लगाने हैं, बाकी अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर भी इसकी दीवारों पर ऐसे बॉम्ब लगाओ ना भाई, पूरी बिल्डिंग आज गिरने वाली है। वैसे मैं शोरूम से बाहर आ चुका हूँ, उसका शोरूम बस यहीं तक है, फटाफट ऊपर चलते हैं। फ्रंट साइड पे भी एक दो बॉम्ब अगर लगा दूंगा ना तो बढ़िया रहेगा, और घूम के हम लोग वापस आके अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे, यहाँ से कहीं दूर जाके इस बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। फिलहाल मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, गन बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा बैलेंस। अरे अरे भाई भाई आराम से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने डक्कन बॉस के इस बड़े शोरूम के चारों तरफ भर के ये स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं, और अभी बस मुझे इसे ब्लास्ट करना है, इसका पूरा शोरूम गिर जाएगा यहाँ से। मतलब मैंने एक बॉम्ब भी वेस्ट नहीं करा, सारे के सारे बॉम्ब ना मैंने एकदम जमीन पे लगाया, क्योंकि नीचे से बेस ही खत्म हो गया तो सीधी सी बात है पूरा शोरूम गिरेगा। ओ भाई नहीं 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 नहीं, अरे भैंस की बैलेंस बिगड़ गया, और भाई सही है घुटने के बल गिरा भाई, वरना तो आज हाथ पैर टूट जाते यार। भाई कसम से बैलेंस झटके से बिगड़ा और सीधा नीचे आ गए हम लोग। फटाफट यार अभी गाड़ी लेकर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सही है उस वाली साइड से नहीं गिरे, थोड़ा सा पहले आगे आ गए थे, बाकी वरना तो भी भाई सत्यानाश हो जाता। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी ये खड़ी, थोड़ा सा पहले मैं आगे आ जाता हूँ, क्योंकि अंदर जो बंदे हैं ना वो वैसे उसके सारे गार्ड्स और मैकेनिक ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर ना पहले यहाँ से थोड़ा बहुत दूर चल लेते हैं, इस तरफ में चलता हूँ भाई, ये जगह मेरे को थोड़ी बढ़िया सी लग रही है। भाई यहाँ बहुत गलत सीन होने वाला है, मैं थोड़ा दूर चल के इसीलिए देखना चाह रहा हूँ, मतलब देखने का तो भाई देखो मैंने फिलहाल मेरे को जल्दी से पहुँचना भी है, मुझे मालूम है ये जगह। भाई कुछ बॉम्ब वॉम्ब उड़ के अगर यहाँ आ गया ना तो इतनी सारी कार्स है भाई इधर, इतनी सारी कार्स है भाई, फूटेगी ना तो आग बुझने नहीं वाली, इसलिए मैं कहीं और चलता हूँ भाई। ये जगह मेरे को थोड़ी खतरनाक लग रही है, यहाँ चलते हैं। ये वैसे नहीं है यार, कुछ भी उड़ के नहीं आएगा, ये जगह बहुत ज़्यादा दूर है, और ये जगह मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो फटाफट गाइस हम लोग ना अपनी नहीं गाड़ी पीछे करो। तो ओके गाइस, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मैं यहाँ पर कवर ले लेता हूँ, और 1 2 3 के काउंट में इसका पूरा शोरूम उड़ाता हूँ। तो गाइस 3 2 1 लेट्स गो। ये मैंने कर दिया ब्लास्ट, ओ भैंस की ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया भाई, मैंने सोचा नहीं था भाई इतना होगा। 3 2 1 बोलते जैसे थोड़े बहुत बॉम्ब फोड़े भाई, क्या ही खतरनाक आग निकली। इधर कुछ काम और ना खराब हो जाए मेरे को भाई, फटाफट अभी यहाँ से निकलना है सीधा उस जगह के लिए जहाँ पर भाई वो लोग मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। और अभी फटाफट से ना गाइस, मैं उसे वैसे मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं लेस्टर को बोलता हूँ काम हो गया है, अब तो किसी अननोन नंबर से उसे कॉल करके बोलते जो नंबर ट्रैक भी ना हो पाए, क्योंकि मैं अपने नंबर से कॉल करूँगा सीधी सी बात है भाई उसको मालूम पड़ जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक अननोन नंबर उठाऊँ। भाई कसम से 3 2 1 बोलते जैसे ही ब्लास्ट करा है ना, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ से बगल का जो पानी था ना वो भी पूरा आसमान तक उजल गया भाई, पता नहीं कैसे। फिलहाल अभी जल्दी से ना मुझे निकलना चाहिए, बहुत गलत सीन हुआ है ये। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके वापस से एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे एल रूबियो का कॉल दोबारा से आया, और वो कह रहा है कि उसके गार्ड्स ने हमारे लिए प्लेन का जुगाड़ करवा दिया, अब जल्दी से हमें भैंस की डांगी। गार्ड कभी रहता भी है यहाँ पर, रहता है तो ये गेट खोलता नहीं है। चलो कोई नहीं, फिलहाल डेंट तो वैसे नहीं आया, क्योंकि वो जो है आयरन के नहीं होते, वो नॉर्मल एक टाइप से पता नहीं प्लास्टिक के होते, बट जो भी हो बैरियर खुल चुका है भाई। एक प्लेन का जुगाड़ करवाया उसने, वो क्या हमें एकदम ही गरीब समझ रहा है क्या एल रूबियो, बट कोई नहीं, फिलहाल प्लेन हमारे पास भी था, बट अभी हम लोग उसके प्लेन से ही जाने वाले हैं कायो पेरिको आइलैंड के लिए। तो ये खड़ा लेफ्ट साइड में उसका प्लेन, तो मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना, वैसे मैंने पार्किंग में तो पार्क नहीं करा, और मेरे हिसाब से एयरपोर्ट के बीच में, वैसे मैं अगर यहाँ खड़ी कर दूंगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में शायद वापस आ ही जाना है, वो पता नहीं किस काम के लिए बुला रहा है, कुछ पता भी नहीं है कि अभी जल्दी वापस आना है या फिर टाइम भी लगेगा। फिलहाल जल्दी से चलकर हम लोग प्लेन में बैठते हैं और फटाफट से निकलते हैं सीधा एल रूबियो के पास कायो पेरिको आइलैंड के लिए। और प्लेन ओ भाई उस वाली मेरे को लग रहा था ऊपर से प्लेन आ रहा है, और ये प्लेन भी टेक ऑफ करने के लिए आ रहा है। अंधे हमारा प्लेन जा रहा है, पंगे मत लियो, पता चला लागे ठोकी देश में।
अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे गेट खोलते हैं, लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हम लोगों ने अपना प्लेन स्टार्ट कर लिया है और मैं इस टाइम पे फुल रेडी हूँ टेक ऑफ के लिए, लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी फटाफट से इसी के साथ मैंने अपने प्लेन को लेके टेक ऑफ मार लिया है सीधा कायो पेरिको आइलैंड के लिए। फिलहाल बातें कम करते हैं, जल्दी से अपने प्लेन को भगाते हैं क्योंकि एक दो घंटे लगेंगे अभी पहुंचने में। तो गाइस फाइनली पूरे के पूरे दो घंटे बाद हम लोग अपना प्लेन लेके पहुंच चुके हैं सीधा कायो पेरिको आइलैंड और यहाँ पर हमने अपना प्लेन भी लैंड करवा दिया, लेट्स गो। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं काम करता हूँ, अपने प्लेन को ना यहीं पर साइड में कहीं पार्क कर देता हूँ क्योंकि सीधी सी बात है यार, अभी थोड़ी देर में हमें यहाँ से निकलना भी होगा। वैसे यार एल रूबियो ने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, मतलब यार पहली बात तो कि कायो पेरिको से प्लेन भेजने की क्या जरूरत थी, हम लोग यहाँ चोरी करने आ सकते हैं और हमारे पास एक प्लेन नहीं होगा, क्या सोच के बैठा भाई एल रूबियो। मुझे पता है क्या लग रहा है कि वो हमें, मैंने जैसा जैसा उसे बोला था कि यार हमें टॉर्चर करके उसने ये चोरी करवाई है यहाँ से, फिलहाल इसीलिए उसे लग रहा हो कि हम लोग यार थोड़े बहुत शरीफ हैं। बट अभी यहाँ पर किस लिए बुलाया है इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों गार्ड्स खड़े हैं, इनसे बात करता हूँ। भाई एक तो मैं इनसे तमीज में बात कर रहा हूँ, ऊपर से ये लोग उल्टा मुझे धक्का मार रहे हैं। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया है तो मैं अपना चुपचाप से ना पीछे आकर बैठ गया हूँ। अब पता नहीं यार ये लोग मुझे कहाँ पे लेकर जाने वाले हैं, शायद से एलयूबी के पास ही ले जाएंगे, बट वो ठीक है यार, मतलब तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद भाई बदतमीजी दिखा रहे हैं, धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं। अब बस वहाँ पर जाकर कोई हरकत ना करे, पता चला एल रूबियो वो पिंजरा नहीं देखा था, वहाँ पर ले जाके ना बंद कर दे। वैसे मैंने लेस्टर को बोल दिया कि भाई देख, अगर कुछ भी गलत सीन होता तो सीधा कायो पेरिको आई हो। मैंने उसे बता दिया कि मैं कायो पेरिको ही जा रहा हूँ, बाकी मेरे पास ब्लूटूथ भी है तो मैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल कर देखते हैं। इतनी तमीज में अगर थोड़ा स्वागत कर देते ना तो डर नहीं लगता, अभी तक नहीं लग रहा था बट अभी लगने लग गया जिस तरीके से इन्होंने स्वागत करा है। फिलहाल भाई गाड़ी तो बहुत तेज चला रहे बंदा, मतलब लॉस सैंटोस वाला हिसाब नहीं है भाई, वहाँ के ड्राइवर थोड़े अलग ही हैं, इतनी धीरे गाड़ी चलाते हैं, ये बंदा कुछ अलग है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल एल रूबियो के गार्ड्स मुझे उसके घर के बाहर लेकर पहुंच चुके हैं। बट यार अभी ना कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि जिस चीज़ का मुझे डर था भाई, मुझे लग रहा था ना कि बस ये मुझे उस केज में ले जाके बंद ना कर दे या फिर कहीं और ना ले जाए उसके घर के अलावा। अब लेकिन घर आए तो सीधी सी बात है हम उससे बात ही करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमें चल के मालूम पड़ने वाला है। वैसे भाई साहब जी घर पीछे वाली साइड से था, अच्छा दूसरे गेट से एंट्री होगी। एक सेकेंड, इसने तो गाड़ी अभी भी नहीं रोकी भाई, कहाँ पर ले जाना चाह रहा है, तो पीछे जंगल में कहाँ पर लेकर आ गया भाई। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग कूटने के लिए जा रहे हैं या फिर पानी में डुबा के तो नहीं मारोगे ना भाई, पता नहीं यार क्या सीन है। तो गाड़ी पीछे कर रहा है भाई, एक सेकेंड मुझे लग रहा था सामने ले जा रहा है, अभी ये गाड़ी नीचे लेके जा रहा है, पता नहीं यार ये बंदा आखिरकार क्या ही चाहता है। और भाई साहब ये हमें एल रूबियो के पास लेकर आ चुका है सीधा, वो घर में नहीं था, वो पीछे यहाँ पर बैठने आया हुआ है। और एक सेकेंड, और यहाँ पर एल रूबियो का ये ब्लैक पैंथर भी है। भाई देखो मेरे साथ ना कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास वेपन्स भी है बट मैं फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा क्योंकि चारों तरफ बॉडीगार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और मेरे को क्यों घूर रहा है भाई, मैं अपना ये साइड से जा रहा हूँ, ये अलग ही डरा रहा है भाई, पहले मेरे को घूर रहा है फिर एल रूबियो को देख रहा है। फिलहाल बैठ के इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल एल रूबियो से बात हो चुकी है और एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई इसने हमें यहाँ पर मारने के लिए नहीं बुलाया, उल्टा इसको हमारे से एक हेल्प चाहिए थी, बट वो हेल्प भी काफी ज्यादा डेंजरस सी है। ऊपर से यार एक तो जो पैंथर है ना इसे देख देख के डर लग रहा है, फिलहाल इसका जो चेल है उसे शांत कराने में लगा हुआ है वरना वो उठ के मेरे को काट ही लेगा। मैं काम करता हूँ भाई, पहले ना थोड़ा सा सोच लेता हूँ फिर इसको बताता हूँ कि हम लोग इसकी हेल्प करने वाले हैं या फिर नहीं। तो ये कह रहा तुमने डगन बोस के लिए काम करा है, उसके लिए चोरी करी है, पर अभी तुम्हें काम मेरे लिए करना होगा और काम ये है कि हमें डगन बोस को मरवाना है। मतलब कि यार जो हम चाहते थे वही हो रहा है, बट इसमें दिक्कत पता है क्या है, ये कह रहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम भी हमारे साथ रहोगे क्योंकि इसको लग रहा है कि हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कह रहा है वो जो चीज़ तुमने डगन के लिए चुराई है वो पिछले 50 साल से यहाँ पर है और कम से कम 10 बार ही उसे अलग अलग बंदों ने चुराने की कोशिश करी है बट आज तक कोई नहीं चुरा पाया, बट हम लोगों ने उसे चुरा लिया। वैसे कह रहा तुमने किसी न किसी की तो हेल्प ली है क्योंकि वो जो वॉल्ट है वो एक बहुत बड़े हैकर ने ही बनाया था, उसे कोई और नहीं खोल सकता, बट जिस हैकर ने वो वॉल्ट खोला है ना उसी ने वो बनाया था इसलिए उसको सब कुछ मालूम था। वैसे मैं जा कर रहा हूँ, ये लोग मेरे को खाली पीले भी मारने लग जाएंगे, मैं उसे चल के बोलता हूँ कि हाँ अभी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट डगन वो उसको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और उसके पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यार। ये मेरे को ही घूर रहा है, उठ के काट ना ले भाई, तू उसे शांति रखियो ठीक है ना यार। हाँ तो मैं इसे कहता हूँ ठीक है हेल्प करते हैं। तो गाइस देखो, इस बंदे में या तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये कह रहा है कि इसका एक बंदा डगन की 3 बॉडीगार्ड के बराबर होगा और अगर ये चाहे तो एक कॉल में इतनी सिक्योरिटी बुला लेगा ना कि हम लोग देखते रह जाएंगे। वैसे हमारा काम कुछ नहीं है, हमें बस इसे रास्ता दिखाना है, बाकी लड़ाई ये खुद करने वाला है। और वैसे इसने अभी भाई किसी को फ़ोन लगा भी दिया है,
भाई सही में अभी बुला रहा है क्या बंदे? हम लोग आज ही जाने वाले क्या डगन बोस को मारने? भाई पता नहीं आ रहे मरवाएगा हमें अपने साथ ले जा रहा है भाई डगन, कसम से बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो रखा है। बट अभी शायद हमें इसके साथ जाना पड़ेगा, मैंने इसे बोल दिया मैं बस रास्ता दिखाऊंगा, बाकी शायद से मेरे हाथों या इस डगन को मरवाने वाला है। तो चलो भाई अभी ना फिलहाल ये कह रहा है कि तुम एक काम करो मेरे बॉडी गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचो, उसने काफ़ी सारे बंदे बुला लिए, हम लोग अभी जाने वाले हैं डगन बॉस के वहाँ अटैक करने उसके ऊपर। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये इसका एयर डिफेंस है, काफ़ी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर लगा रखी है जो कि फुल एक्टिव है, चारों तरफ ध्यान रख रहे हैं भाई ये लोग बंदों का। फिलहाल मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं निकलता हूँ क्योंकि अभी मेरा इधर तो कोई काम है नहीं। चलो भाई मेरे को ले चलो, अभी ये अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आने वाला है। वैसे भी यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी फील आ रही थी, इतने सारे बंदे अगल बगल खड़े हुए हैं, उनसे तो इतना डर नहीं लग रहा था, बट वो जो पैंथर बैठा हुआ है ना भाई उसको देख के लग रहा था भाई, वो क्योंकि वो घूरे जा रहा था, पता चला हमें ही काटे सबसे पहले। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी ये लोग एयरपोर्ट पे हमें लेकर जा रहे हैं, वो भी आता ही होगा। मेरे को देखना है आखिर इसने कितनी सिक्योरिटी बुला ली इतनी सी देर में। उस दिन जब हम लोग इसके घर पर आए थे चोरी करने, तब तो ये एक फ़ोन नहीं कर पाया भाई हमने, वैसे नहीं बंदे तो काफ़ी सारे आ गए थे, बट मेन पता है ये डिपेंडेंट उस चीज़ पर था कि इस लॉक को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, मतलब एक बार को इसका घर फूट जाएगा। बट इसे इतना भरोसा था कि कोई बंदा इसकी जो मतलब वॉल्ट है वहाँ से चुरा के नहीं ले जा पाएगा क्योंकि उसे खोलना इम्पॉसिबल है। बट मद्राजो के बेटे ने सीधा उससे हेल्प ली जिसने इस लॉक को बनाया था, तो सीधी सी बात है जिसने बनाया है उसको पता होगा कि कैसे खोला जाएगा। फिलहाल अभी वो तो चोरी हो गई थी, और ये बात तो अच्छी है कि भाई ये हम पे विश्वास कर रहा है यार पूरा, कि हाँ हम एक खतरनाक बंदे हैं और डगन बॉस को भी हमारी हेल्प से ये मारेगा, मतलब पता नहीं। फिलहाल ये लोग भी मुझे अपनी गाड़ी में लेके पहुंच चुके हैं सीधा कायो पेरिको की एयरलाइन पे, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं भाई आखिर कितनी सिक्योरिटी उसने यहाँ पर बुला ली। मतलब उसने एक मिनट की बात करी थी कि एक मिनट में दबा के यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी बुला लेगा, और 5 मिनट हो चुके हैं एक बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं आया, पता नहीं क्या सीन है यार। वैसे ऐसे मैं डायरेक्टली से जज भी नहीं कर सकता, बंदा बहुत खतरनाक है। और मेरा प्लेन कहाँ गया भाई? वैसे वो इनका ही प्लेन था यार, इन्होंने ही दिया था, तो जहाँ मर्जी ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर लेकर आ चुका है, अंदर कहाँ ले जा रहा है ये गाड़ी, यहाँ लगी बंदा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलकर यार वेट करते हैं इन लोग के आने का, पता नहीं यार यहाँ पर कितना ही टाइम लगने वाला है। और भैंस की टांग एल रूबियो तो आ भी गया भाई, ये बंदा कसम से क्रेजी है, अपनी अलग ही फौज लेकर चलता है भाई साहब। बॉडी गार्ड्स को कहाँ पर रख कर लाया है, और गाड़ी इसके आप देख रहे हो भाई, मतलब गाड़ी है या फिर ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट कोई नहीं, फिलहाल मैं इससे बात करता हूँ और देखते हैं भाई, मैं इसे समझा रहा हूँ डगन बॉस से लड़ना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। वैसे यार ये बंदा ना कसम से कॉन्फिडेंस देख रहे हो आज कैसे आया, वरना पैदल घूमता है और आज ये गाड़ी पर आया है। एक सेकेंड, भाई साहब यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ओ भाई भाई तीन तीन नहीं भाई चार चार हेलीकॉप्टर, वो भी टैंक लेकर आ रहे हैं अपने साथ। भाई एल रूबियो गजब बंदा है भाई, इसको मैं हल्के लिए ले रहा था उल्टा, और ये टैंक भी मेरे को छोटे मोटे, भाई तुम इधर मत ले आना मैं थोड़ा सा ना उधर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये लोग सारे हेलीकॉप्टर अपना यहीं पर लैंड करवाने वाले हैं। एक नहीं दो नहीं तीन, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, एक बार ना पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि चार तो मेरे को नजर आए हैं एकदम सिर के ऊपर लाके खड़ी कर दिए, ढंग से दिख भी नहीं रहे। लाल ये हेलीकॉप्टर में वेपन्स भी लगे हुए हैं, तो कसम से यार मामला बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। बट यार उसके पास उसके घर में चार चार एयर डिफेंस है और इतनी ज़्यादा फोर्स है, यार खतरा तो है थोड़ा सा, मैं इसको बता देता हूँ पहले वो चीज़। तो देखो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इसे बता दिया है कि डगन बॉस के पास भी बहुत तगड़ा डिफेंस है, तगड़े तगड़े टैंक्स हैं और सब कुछ है, और ये कह रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ना आधा घंटा वेट करो। और उसने दोबारा से यार पता नहीं किसको कॉल कर दिया है, एक कॉल में इसने भाई चार इतने तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर्स विद टैंक मंगवा लिए हैं यहाँ पर। और ये जो आप सबसे राइट वाला टैंक देख पा रहे हो ना भाई, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि डगन बॉस नहीं बचने वाला किसी कीमत पे, क्योंकि भाई मेरे को तो पहले विश्वास नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर ने इसे उठा के लिया। ये जो शैनबॉक टैंक है ना भाई, ये ऑटोमेटिक जैसे M249 चलती है ना, ये कुछ उस तरीके से भाई RPG छोड़ेगा, और उस RPG के मीन्स रॉकेट लॉन्चर का डैमेज भी बहुत ज़्यादा होगा भाई, नॉर्थ एंगटन ही ना उड़ जाए पूरा, इतनी पावर लगा रहे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल डगन बॉस कह रहा है कि आज रात तक अपनी पूरी फोर्स रेडी हो जाएगी, और रात के 3 बजे हम लोग निकलेंगे सीधा नॉर्थ एंगटन डगन बॉस को मारने के लिए। बाकी हाँ यार आज अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, यहीं पर सोना पड़ेगा, मुझे लग रहा था यार मैं शाम तक इसको जो इंपॉर्टेंट काम होगा इससे बात करके वापस घर चले जाऊंगा, बट आज तो रुकना ही रुकना है और कल नॉर्थ एंगटन भी जाना है इसके साथ। बाकी हाँ यार इसने मुझे बोला है कि तुम डगन बॉस को कॉल करो और उसको बोल दो कि कल एल रूबियो आ रहा है तुझे मारने के लिए, मतलब यार गद्दार नहीं है बिल्कुल, उसे बता के अटैक कर रहा है। मतलब यार उसने बोला है उसको बोल दो तुम जितनी फोर्स रेडी कर सकते हो, जितना डिफेंस बढ़ा सकते हो, जितने बंदे बुला सकते हो बुला लो, बट अभी एल रूबियो से बचने नहीं वाले। फिलहाल मैं उसे भाई बोल देता हूँ, क्योंकि अभी भाई डगन बॉस जाने वाला है बहुत गंदी तरह भाई, कसम से यार जो चीज़ हम लोग चाहते थे वो हो भी गई,
भाई साहब मतलब दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी। फिलहाल डगन बॉस को कॉल करते हैं, वैसे कॉल करना ही क्या है, सीधा उसे कॉल करके बोलना अब तू गया अगले दिन हम लोग आ रहे हैं। बाकी हाँ यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.4 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या होने वाला है भाई कल, क्या सही में एलरूबी डगन को मार डालेगा। वैसे यार देखो, आधा काम हमें भी करना पड़ेगा तभी हमें अपने साथ लेकर चल रहा है। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कौन कौन से और भी टैंक मंगवाने वाला है। और हाँ यार, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टा पे फॉलो कर लो, बहुत आ गया। चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।